हेलो गाइस, आपने अक्सर देखा होगा जो लोग डेली वॉक करते हैं वो एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्मार्ट एंड एक्टिव नजर आते हैं। दोस्तों, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो हमें यही देखने को मिलेगा कि जब हम वॉक करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी मूवमेंट में होती है। वेल, दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसी ट्रिक शेयर करने वाले हैं जिससे आप फिजिकली तो फिट रहेंगे ही बट आप मेंटली भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। सो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से एक लाइक ठोको और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, 1950 के मौसम गर्मा में एक 50 साल सिगार की दुकान के मालिक पैट्रिक हारमोन ने एक दिलचस्प चैलेंज का आगाज किया। बट दोस्तों, इस चैलेंज की शर्त ये थी, अगर वो अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क तक 6300 किलोमीटर का सफर उल्टे कदमों चलकर मुकम्मल कर लेते हैं तो वो $20,000 जीत जाएंगे। वेल, दोस्तों, इसके लिए उन्होंने अपने एक दोस्त की मदद ली और अपनी छाती पर गाड़ी का शीशा अटैच कर लिया ताकि वो पीछे आने वाले रास्ते को इजीली देख सकें, और उन्होंने ये सफर 290 दिनों में मुकम्मल कर डाला। वेल, दोस्तों, देखने में ये चैलेंज खुद में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री थी। एंड यही नहीं दोस्तों, इससे हासिल होने वाले रिजल्ट्स ने ना सिर्फ पैट्रिक हारमोन को बल्कि बहुत से साइंटिस्ट को भी हैरान कर डाला। दोस्तों, इस चैलेंज को खत्म करने के बाद पैट्रिक हारमोन ने दावा किया कि इस सफर ने उनके पांव के टुकनों को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया था कि वो किसी हथौड़े से भी इजीली नहीं टूट सकते। वेल, ये बात सुनकर बहुत से लोग शॉक हो गए। दोस्तों, बाद में जब साइंटिस्ट ने इस चीज पर रिसर्च की तो उन्हें देखने को मिला कि जो लोग उल्टे पांव चलने के शौकीन हैं वो एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिससे उनकी बॉडी की फिटनेस एंड मेंटेनेंस एक अलग लेवल पर चली जाती है। दोस्तों, साइंटिस्ट ने यह भी बताया कि उल्टे पांव चलने से कमर का दर्द, पांव और टुकनों का दर्द और इसके साथ ही ब्रेन की दूसरी चीजें अडॉप्ट करने की एबिलिटी भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। दोस्तों, यही नहीं, अमेरिका की न्यूवाडा यूनिवर्सिटी की बायोमैकेनिक स्पेशलिस्ट जैन डेफिक 20 सालों से इस मौजू पर रिसर्च कर रही हैं। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर ये मालूम किया है कम से कम 4 हफ्तों तक रोजाना 10 से 15 मिनट उल्टे कदमों चलने से 10 सेहतमंद खवातीन में हैमस्ट्रिंग पट्टों की लचक बेहतर हो गई। इसके अलावा कमर में फ्लेक्सीबिलिटी प्रोवाइड करने वाले पट्टे भी काफी ज्यादा मजबूत हो गए। दोस्तों, यही नहीं, एक और रिसर्च में उन्होंने 5 एथलीट की मदद से ये जाना कि उल्टे पांव चलने से कमर के पिछले हिस्से में दर्द काफी ज्यादा कम हो गई है। वेल, दोस्तों, इस रिसर्च से इतना ज्यादा फायदा हुआ कि अब इसी चीज को स्पोर्ट्स एंड गेम्स में भी शामिल कर दिया गया है। एंड अब खिलाड़ियों की फिटनेस के लिए उन्हें उल्टे पांव चलने की प्रैक्टिस भी दी जाती है। वेल, दोस्तों, आपके माइंड में ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि ये उल्टे पांव चलने की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा फायदेमंद क्यों है। दोस्तों, रिसर्च के अकॉर्डिंग उल्टे पांव चलने की बायोमैकेनिक्स सीधे पांव चलने से काफी ज्यादा मुख्तलिफ है। एक्चुअली उल्टे पांव चलने से हमारे घुटनों की हरकत की रेंज कम होती है एंड सीधे चलने के लिए हम अपने पांव की एड़ी का काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जबकि उल्टे पांव चलने का आगाज पांव के पंजों से होता है एंड आपके पांव की एड़ी जमीन को छूती ही नहीं एंड इसी की वजह से घुटनों पर कम असर पड़ता है। दोस्तों, यही नहीं, ऐसा करने से आम चाल की निस्बत मुख्तलिफ पट्टे इस्तेमाल होते हैं। इनफैक्ट इस तरह की एक्सरसाइज के दौरान टुकनों पर ज्यादा असर पड़ता है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस रिसर्च ने ये भी वेरीफाई कर दिया कि पैट्रिक हारमोन ने जो टुकने मजबूत होने का दावा किया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। सो गाइस, आप इस एक्सरसाइज को कब ट्राई करने वाले हैं कमेंट करके जरूर बताइए। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से एक लाइक ठोको और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ नाइस डे।